नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास केले से भरी मैक्स लोडिंग गाड़ी और कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए। सवारी गाड़ी में सवार लोग एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो परिवार के 1 साल के बेटे का मुंडन करवाकर कैला देवी से वापस अपने घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हादसा आज तड़के 4 बजे के आसपास हुआ। पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां आधा दर्जन घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें उच्च उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जयपुर जिले में साइबर ठगों द्वारा बैंकों को ही ठगी का शिकार बनाने की जानकारी मिली है। साइबर ठगों ने जयपुर की एक नामी मोटर्स कंपनी के नाम से ईमेल आईडी बनाई और कहीं से कंपनी का लेटर हेड व अधिकृत साइन चुराकर बैंक के पास ईमेल भेजा, फिर मेडिकल इमरजेंसी बताते हुए 49,24,000 रुपये की ठगी कर ली। गनीमत यह रही कि समय रहते बैंक प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी, जिससे 28,18,000 रुपये होल्ड करवाकर बचा लिए गए। बाकी पैसों की रिकवरी और मामले की जांच के लिए कमिश्नरेट के विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। बदमाशों ने बैंक को मेल भेजा, बताया कि कई खातों में उन्हें RTGS करने हैं, चेक नहीं है और मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए पैसे जल्दी ट्रांसफर करने हैं। बैंक कर्मचारी ने विश्वास कर पैसे ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि ईमेल में कंपनी का लेटर हेड व ऑथराइज्ड साइन थे। भरतपुर ACB ने डीग थाना प्रभारी को 3,500 रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। डीग थाना प्रभारी ने झगड़े के मामले में पीड़ित पक्ष से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष ने 5,000 रुपये में सौदा तय कर लिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष को रिश्वत के पैसे देने के लिए बुलाया गया, लेकिन परिवादी से चौकी प्रभारी ने एक बिचौलिए के जरिए सिर्फ 3,500 रुपये लिए, बाकी के 1,500 रुपये लौटा दिए। इतने में ACB ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिचौलिए जितेंद्र व डीग चौकी प्रभारी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया। ACB दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर परीक्षा 2021 के सभी 6 प्रश्न पत्रों की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी आंसर की में दिए गए जवाब देखने के साथ ही उसमें हुई गलती को भी बता सकता है। ऐसे में अगर किसी भी अभ्यर्थी को आंसर की पर कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 100 की फीस जमा करवाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13 से 15 सितंबर तक 2 पारियों में हुई थी। आयोग ने जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और हिंदी विषय की ही आंसर की जारी की है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से SI, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर MBC के कुल 859 पदों पर भर्ती होगी। जयपुर जिले के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में एक एयरफोर्स में सिलेक्ट हुई यश नामक युवक ने अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। सिलेक्शन के बाद आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के खिलाफ उसकी बुआ ने झूठा केस दर्ज करवाया, जिससे वो दुखी था और अवसाद में था। उसे अपना कैरियर तबाह होने का डर था। ये डर इतना हावी हुआ कि आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की मां ने अपनी ननद और उसके परिवार के 3 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि जब यश माथुर के एयरफोर्स में सिलेक्ट होने की जानकारी ननद और उसके पति को चली तो उन्होंने यश का कैरियर खराब करने की नीयत से उसके खिलाफ पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के चंडावल गांव के निकट हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में कार में आए बदमाशों ने टेम्पो रुकवाकर किराना व्यापारी के बैग से 2,33,000 रुपये लूटे और कुछ ही मिनट में फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि टेम्पो में रखा किराने का सामान बेचकर किराना व्यापारी सोजत निवासी मुस्तफा शाह पीपलिया में सामान बेचकर वापस सोजत की तरफ जा रहा था। इस दौरान हाईवे पर चंडावल गांव के कुछ बदमाशों ने उसके टेम्पो के आगे कार लगा दी और बैग में रखे 2,33,000 रुपये व मोबाइल लूटकर कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कचरे के ढेर में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को PBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि नगर निगम के पास नवजात का शव मिला है। पुलिस नवजात के शव को फेंकने वाले की तलाश कर रही है। इसके लिए CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश के कॉलेजों में आगामी दिनों में 19 अवकाश होंगे। मिली जानकारी के अनुसार दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने कैलेंडर के आदेश जारी करते हुए कहा कि 13 से 15 अक्टूबर तक दशहरे का अवकाश रहेगा।
तो 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक दीपावली का अवकाश रहेगा। 7 नवंबर को रविवार होने के चलते 8 नवंबर से कॉलेज शुरू होंगे। 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। जोधपुर जिले में क्राइम स्पेशल टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम के दूध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12.390 किलोग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। साथ ही 2.940 किलोग्राम अफीम में मिलाने वाला केमिकल के साथ 19,60,000 रुपये की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि तस्करी में प्रयुक्त टेम्पो ट्रैवल्स वाहन व 2 मोबाइल भी जब्त किए हैं। बरामद अफीम के दूध की बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर जिले के करदनी थाना क्षेत्र में उधार दिए रुपए वापस मांगने पर चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। पीड़ित तरुण शर्मा ने आरोपी जितेंद्र सिंह नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि आरोपी जितेंद्र ने उससे पैसे उधार लिए थे। उधार दिए रुपए वापस मांगने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और अपने साथियों के साथ उसका अपहरण कर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।